हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह इस तरह का एक चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिस पर आप टिक करें तो ये टिक हो जाए, फिर आप टिक हटा भी सके, तो ये कैसे बना सकते हैं आज इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपर टैब मेरा एक्टिव है। अगर आपके में डेवलपर टैब एक्टिव ना हो तो आप कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए यहाँ से ऐसे रिबन पर, और राइट क्लिक करने के बाद इस को ओपन कर लीजिए और पॉपुलर पे चले जाइए। पॉपुलर पे जाने के बाद यहाँ पर आपका डेवलपर टैब पे अनटिक होगा कुछ इस तरीके से, तो ये डेवलपर टैब नहीं नजर आएगा। और जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे, लाइक मैं इस पर टिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये टिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये डेवलपर टैब आपको दिखने लगेगा, तो ये डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके और फिर आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। मैं आपको न्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन यानी कि टिक वाला बटन। तो ये वो टिक वाला बटन है, चेक बॉक्स है जिसको बनाने की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप इसको ड्रैग करवा दीजिए और ये चेक बॉक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं चेक बॉक्स आ गया, ठीक है, इसी तरह से है। और यहाँ पर क्लिक करके और फिर वापस से इस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देंगे तो ये आ गया। अब फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, तो कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ जा रहा है चेकबॉक्स, ठीक है। तो ये चेकबॉक्स अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा। अब इसका नाम आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के नाम भी चेंज कर सकते हैं इजिली। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से इसका नाम हटा दीजिए, केवल चेकबॉक्स ही आपको नजर आएगा। जैसे मैंने इसका हटा दिया, फिर यहाँ पर राइट क्लिक किया और फिर इसका हटा देता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये आ गया कर्सर, अब इसका भी हटा दीजिए। फिर इसी तरह से सबका आप हटा सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, एडिट मोड में आ जाएगा और इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए एक बार और इसको भी हटा दीजिए। और फिर इसी तरीके से ऊपर वाला ये जो है इस पे भी क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाइए और फिर इसको भी हटा दीजिए। तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब इनको अरेंज वे में करना है तो फिर वही राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से लेके चले जाइए इधर, ठीक है। तो देखेंगे कि ये इसके ठीक नीचे आ जाएगा और ये लाइक इस तरीके से। फिर इस पे भी राइट क्लिक कर लेता हूँ और फिर इसको भी खींचते हुए नीचे लेके चले जाएंगे हम, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको खींचते हुए नीचे लेके आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप टिक करना चाहे टिक करिए, अनटिक करना चाहे अनटिक करिए, इसी तरह से आप काम कर सकते हैं इजिली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।